हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर सुनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है पबजी को बैन। तो दोस्तों आज मैं इसके बिल्कुल ही अपोजिट और उल्टी खबर लेके आऊँ जिसमें ये बताया गया है कि पबजी आएगा भारत में दोबारा। ये बात थोड़ी सी अजीब तो लग रही होगी दोस्तों आपको, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अगर इसको अनबैन करना ही था तो भारत सरकार ने इसको बैन क्यों किया, ये कोई मजाक चल रहा है क्या। नहीं दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि पबजी जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है बेसिकली। तो दोस्तों जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि पबजी बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो दोस्तों आपको सामने नाम आएगा साउथ कोरिया। यानी कि बेसिकली जो पबजी है, जो बनाया है पबजी, वो साउथ कोरिया कंट्री ने बनाया है। कोरियन गेम है ये। लेकिन अगर हम बात करें पबजी मोबाइल की, यानी कि जो पबजी का पीसी वर्जन है वो तो बनाया है कोरिया ने, लेकिन पबजी का जो मोबाइल वर्जन है दोस्तों वो पबजी कोरिया और चाइनीज कंपनी टेंसेंट दोनों ने मिलकर बनाया है। तो इसलिए भारत सरकार ने उसके अंदर पबजी मोबाइल के अंदर चाइना की कंपनी का रोल होने के कारण उसको कर दिया था बैन। लेकिन अभी जो कोरियन कंट्री है, जो कोरियन कंपनी है, जो उसकी जो पबजी की जो ओरिजिनल बेसिक कंपनी है, जो उसका नाम है ब्लू होल, वो क्या काम कर रही है, टेंसेंट से कर रही है अपना रिलेशन ख़त्म भारत में पबजी को दोबारा अनबैन करने के लिए। तो दोस्तों ये बातें अभी चल रही है, अभी बातें होंगे इंडियन गवर्नमेंट से। ये अगर इंडियन गवर्नमेंट उसकी बात को मान लेती है तो ये जो गेम है ये 8 से 10 दिन के अंदर दोबारा भारत के अंदर अनबैन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली मेरी दी गई न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।